नई दिल्ली से आपको ले चलते हैं जहां भाजपा मुख्यालय में इस समय प्रेस वार्ता चल रही है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और आदेश गुप्ता संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित जरूर जवाब देना होगा कि ये इतने 100 करोड़ रुपया कहां है, किस किस ने इसमें बांट की, कहां कहां से ये पैसा लिया गया और किस किस जगह पे इस पैसे को पचाया गया, ये जानकारी पब्लिक की ना हो सके इसलिए इन्होंने सरकारी डायरेक्टरों को निकालकर, जो कि सरकार के पावर मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरी होते थे, उनकी जगह अपने प्राइवेट लोग डालकर और इन कंपनियों को लूटने का काम किया है। ये काम दिल्ली की सरकार ने किया, जैसे अभी कहा गया, मेरे से पहले प्रधान जी ने बताया, सुधांशु जी ने भी, इनका काम मात्र लूटना रह गया। दिल्ली को लूटो और जेबों में पैसे भरो। कट्टर बेईमान। धन्यवाद। किसी को प्रश्न? संदीप जी, केजरीवाल साहब जो है वो मोदी के साथ में जो है अडानी अंबानी की मित्रता की दुहाई देते हैं और BSES का ये मामला आया है और एनडी साहब के पुत्र जो है नवीन का मामला आता है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सब्सिडी पे हमने अपने वक्तव्य में भी स्पष्ट किया, हमारे दोनों साथियों ने भी स्पष्ट किया, हम सीधे चाहते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सब्सिडी क्यों नहीं दी जा रही है। यदि पूरे देश में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से दी जा सकती है तो सिर्फ यहां पर बिजली की सब्सिडी कंपनियों के थ्रू घुमाकर क्यों दी जा रही है। दूसरी बात, जो एडजस्टमेंट किया गया है कंपनियों के साथ सब्सिडी के रकम का, उसका ऑडिट हुआ क्या? ईयरली ऑडिट होना चाहिए, वो ईयरली ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। इसका अर्थ यह हो गया कि मुफ्त बिजली देने के नाम के ऊपर असली मलाई वो अपने मित्रों को खिलाना चाहते थे, अन्यथा पुनः हम कह रहे हैं हम सब्सिडी देना चाहते हैं जैसे देश में दे रहे हैं, सीधे पारदर्शी तरीके से, साफ, जैसे किसी जमाने में कहा था ना, 1 रुपया चलता 15 पैसे पहुंचता है, 100 का 100 पैसे पहुंचता है। सीधे पैसा सरकार से जाना चाहिए और लाभार्थी के अकाउंट में जाना चाहिए, ये बीच में कोई नहीं होना चाहिए जी। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने कही, जो आरोप लगाते हैं तो पूछना चाहते हैं ना, जिन कंपनियों पे वो आरोप लगाते थे, आज कुर्सी पे आने के बाद, मतलब कुर्सी की गद्दी की गर्माहट से रिश्तों में इतनी गर्माहट कैसे आ गई और वो सारी कड़वाहट कहां चली गई, जिसके दावे वो टोपी पहन पहन के किया करते थे, मुझे लगता है कि अब टोपी किसी और को पहना दी है, इसलिए टोपी भी गायब है और वो कड़वाहट भी गायब है, अब वो मुस्कुराहट और गर्माहट में बदल गई है। हाँ, बल्कि एक बिंदु ये भी है, उन कंपनियों के बोर्ड में आम आदमी पार्टी के, सरकार के प्रतिनिधि नहीं, पार्टी के प्रतिनिधि हैं। तो ये दिशा दर्शाता है कि कितनी आत्मीयता, कितनी भावनात्मकता। और बल्कि एक ऑन द लाइटर नोट कहूं, कल गांधी जयंती थी तो गांधी जी के विषय में कहा जाता है कि वो राजनीति में अनासक्ति के प्रतीक थे, अब लगता है केजरीवाल जी राजनीति में संपत्ति के प्रतीक होते जा रहे हैं। रविंद्र जी, देखिये, चुनाव आयोग अपने चुनाव के सही सुचारू संचालन करने के लिए पूर्णतः एक स्वायत्त संस्था है, तो उसके किसी भी निर्णय करने के लिए वो स्वतंत्र है और हमें चुनाव आयोग की कुशलता और विश्वसनीयता दोनों में पूरा यकीन है जी। Okay.
ठीक टाइमिंग की बात हो रही है। ठीक देखिए जनता के फायदे के लिए कभी भी अगर जनता का फायदा जिसमें हो रहा है जिसमें भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है उसकी टाइमिंग कभी भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग उसको टाइमिंग से ही जोड़कर देखना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, हमने भ्रष्टाचार किया है तो आप चुनाव के बाद बताइए, आप तब बताइए। तो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है तो बीजेपी एक साल से कह रही है, भारतीय जनता पार्टी तो एक साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। देखिए इसमें ये समझ लीजिए कोई छह महीने